हेलो गाय स्वागत करता हूं आपका स्मार्ट किरा करंट अफेयर्स जनवरी मॉक ड्रिल 6.2 में ट्रीटी ऑन प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स ये अप्रूव की गई है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में 2017 में बट जो नौ कंट्रीज हैं जिनके पास सपोजिटली न्यूक्लियर वेपन्स हैं और नाइदर डिट द नेटो अलायंस ने इसे सपोर्ट नहीं किया है right? राइट सो so, इसमें जो नाइन न्यूक्लियर कंट्रीज हैं वो यूएसए रशिया ब्रिटेन चाइना फ्रांस इंडिया पाकिस्तान नॉर्थ कोरिया और इसराइल हिडन कंट्री है ऐसा माना जाता है कि नॉर्थ कोरिया के पास भी हो सकते हैं नहीं हो सकते हैं उस पर बहुत है लेकिन इसराइल ने तो कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया कि इनके पास न्यूक्लियर पावर है सो दे डिड नॉट सपोर्ट द ट्रीटी नॉर हैव साइंड इट सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट ना नाइटो अलायंस ने किया क्योंकि नाइटो अलायंस के अंदर यूएसए का दबदबा है और नौ कंट्रीज जिनके पास है या सपोजिटली जैसे इजराइल है उसमें उनके पास है अनडिक्लेयर न्यूक्लियर पावर है उन्होंने ना तो ट्रीटी को सपोर्ट किया है ना उन्होंने साइन किया है जनरल असेंबली देखिए जनरल असेंबली में हर कंट्री आती है तो ऑटोमेटिकली अराउंड 170 प्लस कंट्रीज के पास तो न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है 180 प्लस कह सकते हैं आप जो तो इन्होंने अपने यू एन में पास कर दिया कि देर शुड बी एन एंड टू न्यूक्लियर वेपन्स बट दीज नाइन कंट्रीज हैव दी एज सो इन कंट्रीज ने इस न्यूक्लियर वेपन्स पे साइन करने से मना कर दिया है याद रखें जो रशिया और यूएसए की डील साइन होती है उसे न्यू स्टार्ट पॉलिसी कहा गया न्यू स्टार्ट है वो उसका नाम न्यू स्टार्ट है और ये तो ट्रीटी ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स है लेकिन साइन नहीं किया है तो इसका मतलब ये इन कंट्रीज में रेटिफाई नहीं होगी जब तक म्यूनसिपल लॉ में रेटिफाई नहीं होगी तब तक कोई भी कंट्री अपने न्यूक्लियर वेपन नहीं छोड़ेगी

टेम्प्ररी एक्सपोर्ट बैन प्लेस किया है रॉबर्ट क्लाइव के इंडियन सिल्वर दरबार सेट पे इसमें है रोज वाटर स्प्रिंकलर्स पान कास्केट्स हुक्का बेसिस और इनकी कीमत आकी गई है सात लाख तीस हजार पाउंड ये सेट बिलीव है टू बी यूज्ड इन मुगल कोर्ट असेंबलीज इन इंडिया देख सकते हैं आप वेरी वेरी गुड पिक्चर ऑफ द थिंग्स दैट हैव बीन बैंड फॉर एक्सपोर्ट नाउ इज अ टेंरी एक्सपोर्ट बैंक यूके क्योंकि अब यूरोपियन यूनियन से बाहर निकल चुका है तो पाउंड स्टर्लिंग उसकी है, है साइन किया है एग्रीमेंट और यह बनाएंगे फाइव नाइन्टी मेगा वॉट कैपेसिटी फोटो वोटिक प्लांट ये लार्जेस्ट होगा यूरोप में तीन सो मिलियन यूरोनि की तीन सौ चौसठ मिलियन डॉलर अगर हम इसे 370 का अप्रॉक्सीमेट मान के अगर 80 से मल्टीप्लाई करें तो ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 3000 करोड़ के आसपास की बलागत से बनता हुआ प्रोजेक्ट है स्पेन और फ्रांस ने किया है 590 मेगावाट कैपेसिटी है और लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट है यूरोप का सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्पेन और फ्रांस के बीच में ये कंबाइन होकर उनकी टेक्नोलॉजीज को ये आ रहा है फ्रांस की कैपिटल पेरिस है करेंसी यूरो है प्रेजिडेंट इमानुअल मैक्रॉन है पीएम जीन के है स्पेन की कैपिटल मद्रीद है स्टार्ट है, है, ये, ये 2010 से साइन होनी स्टार्ट हुई है और न्यू स्टार्ट है स्ट्रेटेजिक रिडक्शन ट्रीटी ये ग्लोबल आर्म्स कंट्रोल का कॉर्नर स्टोर है यानी कि अगर ये नहीं होगा कॉर्नर स्टोर का मतलब तो कुछ ग्लोबल आर्म्स कंट्रोल रेस भी नहीं रुक सकती है तो स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वॉरहेड्स जो यूनाइटेड स्टेट्स एंड रशिया हैं पंद्रह सौ पचास है यानी कि इसके बाद ये लोग अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स को नहीं बढ़ाएंगे ये इनके बीच में डील है क्योंकि अगर ये बढ़ाते जाएंगे तो डेफिनेटली एक आप कह सकते हैं एक हार्म और एक डेंजर रहता है फॉर एवर टू अदर नेशंस एज वेल एज टू द वर्ल्ड इट्स सेल्फ नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट दे कंट्रोल द प्रोडक्शन एंड देव लिमिटेड इट टू फिफ्टी हंड्रेड एंड फिफ्टी रशिया और यूएसए के बीच में है रशिया की कैपिटल मॉस्को है रशियन रूबल इसकी करेंसी है पीएम मिखेल इंस्टीट्यूशन है प्रेसिडेंट व्लादामिर पुतिन है जिनके पास पावर है ये आप सबको यूएसए के बारे में पता ही है जनवरी 22 को जर्मनी के करंट अकाउंट सरप्लस श्रैक हो गए हैं फिफ्थ ईयर इन अ रो ये 2020 में और चाइना ने ओवरटूक कर लिया है यूरोप की बिगेस्ट इकोनॉमी को ड्यूरिंग कोविड नाइन्टीन पैंडेमिक राइट और इनके पास करेंट अकाउंट सरप्लस है ये आई इंस्टीट्यूट ने निकाला है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और इनका अकाउंट करंट सरप्लस जो चाइना का है वो डबल हो गया है थ्री टन बिलियन डॉलर का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चाइना की कैपिटल बीजिंग है जर्मनी की कैपिटल बर्लिन है तो so, दोनों पावर ऑफ बी है चाइना की करेंसी रेमनी भी है रेनमी भी है जर्मनी की यूरो है बिकॉज यूरोप की सबसे इंपॉर्टेंट कंट्री है जर्मनी ये मैन्युफैक्चरिंग हब भी है यूरोप का तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अर्जीरा मर्कल इसमें इंपॉर्टेंट पॉलिटिशियन रही है प्रेसिडेंट जी पिनपिंग है प्रेसिडेंट इसके फ्रेंक वॉल्टर स्टेनमेयर है प्रोजेक्ट लून जो गूगल एक्स का स्पिन आउट था और इनका एम था गूगल का कि ये ब्रॉडबैंड मोर असेसिबल बनाएंगे यूजिंग सोलर पावर्ड बलून्स तो ये शट डाउन कर दिया इनकी पेरेंट कंपनी अल्फाबेट ने बिकॉज मुझे लगता है इसमें कोई हेडवे इनको नहीं मिला है ये रहे वो ये चाहते थे कि इंटरनेट ब्रॉडबैंड को मोर असेसिबल बनाए हेडक्वार्टर ऑफ अल्फाबेट हैं कैलिफोर्निया यूएसए में सी ई हैं सुंदर पिचाई तो ये गूगल कंपनी की पेरेंट कंपनी वाली गूगल को ओन करती है एल्फाबेट चार बड़ी कंपनी उसमें से आती है बिग टेक में माइक्रोसॉफ्ट है उसमें गूगल है अमेजोन है और टेस्ला जो है वो मतलब जिसे कह सकते हैं कार्स में आती है बट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है तो उसको टेक कंपनी भी कह सकते हैं बैंकिंग इकोनॉमिक अफेयर्स की बात करें तो आर ने दो करोड़ की पेनल्टी इम्पोज किया स्टैंडर्ड चार्ट बैंक ऑफ इंडिया में और क्योंकि इन्होंने डिले किए हैं इनको रिपोर्ट करने के लिए फ्रॉड्स राइट right? ये मॉनिटरी पेनल्टी है और सर्टेन डायरेक्शन देता है जो आरबीआई उसके अंदर इन्होंने इसको कंप्लाई नहीं किया था तो इसलिए ये की गई है तो दो करोड़ स्टैंडर्ड चार्ट बैंक ऑफ इंडिया में हेडक्वार्टर्स एस के लंदन यूके में है सी बिल विंटर्स हैं यानी कि एक फॉरन बैंक है ये एस्टैब्लिश एक अप्रैल 1935 में हुआ है यानी कि सेम टाइम वेन आर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज इंस्टीट्यूटेड दैट वॉज ऑल्सो इन नाइनटीन पहले नाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का फेडरल बैंक था गवर्नर शक्तिकांता दास हैं ये गवर्नर है मुंबई हेडक्वार्टर्स है आर के जनवरी इक्कीस को एजुटेकन एजुकेशन फिनटेक कंपनी यानी कि एजुकेशन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी ग्रे क्वेस्ट ने ट किया एस बी एम बैंक इंडिया के साथ ताकि वो अफोर्डेबल फंड एजुकेशनल फी पेमेंट इन कंट्री के ऊपर फाउंडर एंड सीओ है ऋषभ मेहता इंडियन कंपनी है, है एसबीएम बैंक भी मुंबई महाराष्ट्र में है, है रथ ये ऑपरेशन इन्होंने स्टार्ट किया है दो हजार अठारह में जनवरी इक्कीस को आरबीआई ने रिलीज किया है दो हजार इक्कीस इश्यू ऑफ इट्स मंथली बुलेटिन बुलेटिन इंक्लूड करता है वन स्पीच चार आर्टिकल और करेंट स्टैटिस्टिक्स तो पहला आर्टिकल में से एक आर्टिकल है स्टेट ऑफ इकोनॉमी यानी कि भारत की अर्थव्यवस्था की हालात इफेक्टिव एक्सचेंज रेट ऑफ द इंडियन रूपी स्मॉल फाइनेंस बैंक बैलेंसिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड वायबिलिटी ग्रीन फाइनेंस इन इंडिया प्रोग्रेस एंड चैलेंजेस राइट आर्टिकल थ्री के तहत स्मॉल फाइनेंस बैंक के एसेट्स जो है वो वन पर फिफ्टी परसेंट एनुअली ग्रो कर रहे हैं बिटवीन फाइनेंशियल ईयर 2017 और 18 और 2019 से 20 के बीच में सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद कर लें इन आर्टिकल्स के नाम क्या पता बताइए आपको आ जाए एग्जाम के अंदर हेडक्वार्टर ऑफ आरबीआई मुंबई में है गवर्नर शक्तिकांता दास है एस्टेब्लिड एक अप्रैल उन्नीस को है जो मैंने पुरानी स्लाइड में कवर किया है जनवरी तेईस को आरबीआई ने इशू किया है डिस्कशन पेपर ऑन स्केल बेस्ड रेगुलेशन ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज ये नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी विल बी बेनिफिटेड थ्रू रिवाइज रेगुलेटरी फ्रेमवर्क सो वेरी इंपॉर्टेंट ये स्केल बेस्ड रेगुलशन है नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी की फोर्थ ईयर स्ट्रक्चर है ये फॉर टाइटर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ एनबीएफसी और प्रोपोज क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है वो है बेस्ट लेर एनबीएफसी फ्रॉम वन एटी डेज टू नाइनटी डेज ओवर डू वेरी इंपॉर्टेंट डिफेंस अफेयर्स की बात करें तो जनवरी इक्कीस को एमओ यू साइन हुआ है बिटवीन इंडियन आर्मी एंड सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स ये डिफेंस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग Uh, के ऊपर है ऑन ओकेशन ऑफ ट्वेंटी फाइव इन ऑफ आर्मी इंडस्ट्री पार्टनरशिप विद कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री सी आई आई भी बोलते हैं राइट ये साइन हुआ है इस ओकेशन पर तो इंडियन आर्मी प्लस सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स इन्होंने एमओ यू साइन किया है फॉर डिफेंस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग डिफेंस इक्विपमेंट पर डिफेंस एक्सपेंडिचर पर बहुत सारा खर्चा कर दिया अब सरकार आफ्टर द चाइना जोल्ड जो गलवान में लगा है उसके बाद भारत की सरकार कुछ समय के लिए इसे पर जागी है, तो रफाल के इंडक्शन से लेकर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग तक पूरा ध्यान है हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन आर्मी न्यू दिल्ली में है चीफ जनरल मनोज मुकुंद नवराने हैं नरावने हैं वाइस चीफ चंडी प्रसाद मोहंती हैं ये उड़ीसा के पहले ऐसे पर्सन हैं जो वाइस चीफ की पोजिशन तक पहुंचे सो वेरी इंपॉर्टेंट लार्ज स्केल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज एक्सरसाइज कवच जिसमें इंडियन आर्मी इंडियन नेवी इंडियन एयरफोर्स इंडियन कोस्ट गार्ड जो थे ये जनवरी के अंदर कंडक्ट की गई है अंडर द एंजेस ऑफ अंदमान एंड निकोबार कमांड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पंद्रह कमांडर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल मरकोज लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे के अंदर ये की गई है ये इस कमांड के लेफ्टिनेंट जनरल है सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कमांड बिकॉज ये बिल्कुल इंडिया के बॉर्डर्स को कवर करता है सी के अंदर चाइना को कंट्रोल करने के लिए अंडमान एंड निकोबार कमांड बहुत जरूरी है क्योंकि उनका सारा का सारा तेल मलक्का स्टेट जो कि साउथ ईस्ट एश, एशियन नेशन से होकर जाता है वहां पर कंट्रोल करते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से दिल्ली पुलिस ने रिक्वेस्ट किया आईटीबीपी को कि वो अपने क्रैक के नाइन कमांडोज डिप्लॉयमेंट करें ताकि वो सैनिटाइज और सिक्योर कर सके अराँ, एरिया अराउंड इंडिया गेट एंड राजपथ इस टीम में इंक्लूड हैं डॉग्स लाइक बेल्जियन मेलिनॉइस और ये बिलोंग करते हैं आई टीम बेल्जियन मेल आप देख सकते हैं यहां पर वेरी इंटेलिजेंट डॉग्स आई 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 एम एम पर्सनली वी अ डॉग लवर एंड कैन से दैट आर वेरी इंटेलिजेंट डॉग्स फास्ट लर्नर्स एजाइल एंड दैट्स वाई दे आर इंडक्टेड एक और न्यूज आपके लिए भी है कि इंडियन ब्रीड्स में से इंडियन मडहाउंड इंडियन मडहाउंड राइट ये डॉग्स कर्नाटका में पाए जाते हैं तो इनका बहुत अब इनको आर्मी ने इंडक्ट किया है मड हाउंड ये है उसकी स्पेलिंग अगर क्वेश्चन आ जाए आपको तो ये आर्मी के अंदर डॉग्स अब प्रेफर किए जाते हैं मड हाउंड ओरिजिनली छत्रपति शिवाजी महाराज अपनी आर्मी में इंडक्ट करते थे ऐसा माना जाता है हेडक्वार्टर ऑफ आई टी न्यू दिल्ली में है डायरेक्टर जनरल सुरजीत सिंह देसवाल हैं एडीजी मनोज सिंह रावत हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जनवरी 20 को बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने लॉन्च किया है ऑपरेशन सरद हवा इसके अंदर ये इंक्रीज करते हैं सिक्योरिटी ऑन इट्स बॉर्डर इन जैसलमेर तो बी एस एफ रन करता है ऑपरेशन गर्म हवा इन समर सीजन एंड ऑपरेशन सर्द हवा ड्यूरिंग विंटर सीजन एज अ रूटीन एक्सरसाइज ये आप देख सकते हैं हमारे बी एस एफ के जवान डायरेक्टर जनरल इसके राकेश अस्थाना है और बी एस एफ के हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है लार्ज स्केल ट्राई सर्विस ज्वाइंट एम फीबीएस एक्सरसाइज एमपेक्स ये अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आईलैंड में हुई थी इक्कीस से पच्चीस जनवरी के बीच में इसमें नवल, नवल शिप्स थी एमबीशियस ट्रूप्स एम फी बी एस ट्रुप ऑफ द आर्मी थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एयरक्राफ्ट थे फ्रॉम एयरफोर्स तो एक्सरसाइज कवर जो है एंडोमानिकोबर आइलैंड के और ये पार्ट इन्होंने फॉर्म किया है एम फेस ट्वेंटी वन का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और ये आप कर सकते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर इसके एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी यानी कि इस एरिया के राइट पहले जो हमने किया वो लेफ्टिनेंट जनरल थे ये लेफ्टिनेंट गवर्नर है एंडोमाना निकोबर आइलैंड के बिकॉज दिस इज अ जनवरी 25 को वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू ने इंटीग्रेटेड वेपन सिस्टम डिजाइन सेंटर एट डी आर ए पीजे अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स इन हैदराबाद में खोला है ये इनहस करेगी कैपेबिलिटी इन डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम सरफेस टू एयर मिसाइल सैम के और सिस्टम्स और बेलेस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स के सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंटीग्रेटेड वेपन सिस्टम डिजाइन सेंटर तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद है सीएम के चंद्रशेखर राव हैं गवर्नर हैं तमिल साई सऊंदर जनवरी 18 को राजस्थान गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है रीनेम करना सेंट्रल गवर्नमेंट की आयुष्मान भारत हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम इसका नाम रखा गया है आयुष्मान भारत महात्मा गांधी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम और ये हेल्थ केयर बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे अराउंड वन करोड़ टेन लैख फैमिली को इन द स्टेट सो राजस्थान गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है और राजस्थान की कैपिटल जयपुर है सीएम अशोक गहलोत हैं गवर्नर कलराज मिश्रा हैं यूनियन मिनिस्टर अमित शाह ने लॉन्च किया है आयुष्मान सीएपीएफ स्कीम ये एक्सटेंड करती है बेनिफिट सेंट्रल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम के टू पर्सनल ऑफ ऑल आर्म्ड फोर्स पुलिस फोर्सेस इन द स्टेट दर्म पुलिस फोर्सेस यानी कि पैरा मिलिट्री फोर्स पैरामिलिट्री फोर्सेस होम मिनिस्ट्री के अंदर आती हैं और होम मिनिस्टर अभी हैं अमित शाह तो इसलिए ये स्कीम लॉन्च की गई है इसके तहत आयुष्मान सी कार्ड्स दिए गए थे सम पर्सनल को फ्रॉम द सेवन सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज इन गुवाहाटी आसाम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गवर्नर जगदीश मुखी हैं असम के कैपिटल डिसपुर है

स्पोर्ट्स एंड गेम की बात करें तो लसिन बलिंगा जी हैं इन्होंने रिटायर करने का फैसला लिया है फ्रेंचाइजी क्रिकेट से श्रीलंका के खिलाड़ी रहे हैं श्रीलंका की कैपिटल है कोलंबो श्री जयवर्धन और श्रीलंकन रूपी कर राजपक्सा है प्रेसिडेंट गोटाबिया राज है, गोटा है। जनवरी इक्कीस को आई ने आई एच ए आई द्वारा ऑर्गेनाइज टेंशनल हाइस्ट हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी जीत ली है यह गुलमर्ग जे में था हेडक्वार्टर आई पी के न्यू दिल्ली में है हेडक्वार्टर आई एच ए आई के भी न्यू दिल्ली में है प्रेजिडेंट उसके सुरेंद्र मोहन बाली हैं डायरेक्टर जनरल आई टी बी पी के सुरजीत सिंह देसवाल हैं एडी जी मनोज सिंह रावत हैं आई टी बी पी को उन्नीस सौ बासठ युद्ध में हार के बाद फॉर्म किया गया था थैंक यू फॉर वॉचिंग डियर फ्रेंड्स विल बी कमिंग विद करंट अफेयर्स एम सी क्यू एट अराउंड टेन पी एम थैंक यू वेरी मच